हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस, आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो सोलन नंबर वन ब्लैक है। तो गाइस, मैं लास्ट वीक आप लोगों के लिए लाया था सोलन नंबर वन, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सो मेनी सच वीडियोज़ दैट आर गोइंग टू बी हेयर इन फ्यूचर। तो अगर आप लोगों ने ये सब कर लिया है तो चलिए अब बात करते हैं हम सोलन नंबर वन ब्लैक की। अब मैं सोलन नंबर वन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, गो वॉच इट, इट इज़ अ वेरी नाइस वीडियो। उसके अलावा मैं इसके पेरेंट कंपनी जो है मोहन मीकिंस, उसके बारे में भी बता चुका हूँ बहुत ही डिटेल में। मेरा ओल्ड मंक का रिव्यू किया था मैंने, मैं उसका भी लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा, आप जाइए वो वाली वीडियो देखिए अबाउट द कंपनी, कैसे ये बनी थी, कब बनी थी, सब कुछ टू नो मोर अबाउट इट। तो चलिए, दैट इज़ ऑल अबाउट सोलन नंबर वन एंड मोहन मीकिंस। अगर हम बात कर लें सोलन नंबर वन ब्लैक की, तो दिस इज़ अ प्रीमियम वर्जन ऑफ सोलन नंबर वन, पिछले वर्जन से ये ऊपर वाला वर्जन है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो दे से इट इज़ अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी विच वी आर येट टू टेस्ट, आई हैव नॉट टेस्टेड इट एवर येट, सो मैं अभी आप लोगों के सामने ही इसको टेस्ट करूंगा। बिफोर आई गो हेड एंड अनबॉक्स इट एंड पोर इट, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस विस्की में भी एडेड फ्लेवर्स हैं, सो इस वजह से आई एम नॉट श्योर वॉट एग्जैक्टली वुड बी द टेस्ट, but yes, let's go ahead and take out the bottle and pour it and let's see what this whiskey has to offer. अगर मैं इसके box की बात करूँ तो एक gold and black color combination में आता है ये, and the box is, I would not say a premium kind of a box, but yes, a better looking box than Solan number one. ढक्कन भी है, not a very tight fit top, but yes, still a plastic top. एंड बॉटल की बात कर लें तो ऑलमोस्ट वैसी ही बॉटल है जैसे सोलन नंबर वन की थी, ऑफ कोर्स द लेबलिंग इज चेंज्ड, दैट इज सोलन नंबर वन फॉर यू ब्लैक। चलिए गाइस, इसको खोलते हैं, करते हैं पोर एंड लेट्स सी व्हाट दिस व्हिस्की हैज टू ऑफर। चलिए लेट्स पोर इट। सो गाइज, मैं बिफोर आई गो हेड एंड टेस्ट इट एंड नोज इट, मैं आप लोग को बता दूँ एक चीज़ कि इस विस्की में ग्रेन स्पिरिट्स हैं एंड मैच्योर्ड स्पिरिट्स हैं। वो मैच्योर्ड स्पिरिट्स कौन सी हैं आई एम नॉट श्योर, मॉल्ट का कोई जिक्र नहीं है इसके लेबल पे। तो चलिए लेट्स गो हेड एंड डू द नोजिंग। अगर मैं कलर की बात करूँ तो एक गोल्डन, हल्का गोल्डन कलर है। Well, on the nose, it's quite floral and fruity, a bit citrusy, एक maltiness आ रही है मुझे इसमें। जितना punch alcohol का था in Solan number वन उतना नहीं लग रहा है मुझे इसमें, and it has got a sweet nose to it. चलिए let's get on to the taste. एक ओकिनेस है इसमें, एक वनिलिन का फ्लेवर है, फ्लोरल एंड फ्रूटीनेस है इसमें, फ्लोरल एंड फ्रूटी नोट्स, बट वो कसैलापन जो है, दैट बिटरनेस एट द बैक ऑफ माय थ्रोट, दैट एस्ट्रिंजेंसी एट द बैक ऑफ माय थ्रोट, वो अभी भी इसमें भी है। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट।
मॉल्टीनेस है इसमें, स्वीट टेस्ट है इसका, माउथ फील जो है वो अप टू मीडियम है, मीडियम से ज़्यादा नहीं है, एंड फिनिश इसकी मीडियम है, फिनिश जो है वो बिल्कुल शॉर्ट नहीं है सोलर नंबर वन की तरह। तो चलिए दैट्स द विस्की एज इट इज़, लेट्स गो हेड एंड टेस्ट इन अ कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। चलिए द नाइस थिंग अबाउट दिस विस्की इज कि इसमें वो अल्कोहल का बर्न नहीं है, एंड दिस बॉटल इज 750 ml बॉटल विच आई गॉट इन दिल्ली फॉर 490 rupees। तो दैट इज द स्केल ऑन विच आई एम गोइंग टू रेट इट। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग। वो मॉल्टीनेस खुल गई है अब इसमें से, मॉल्टीनेस उभर के आ रही है, आई गेस फ्लोरल नोट्स बहुत कम हो गए हैं इसमें, हल्का सा फ्रूटीनेस रह गया है इसमें, वनिलिन रह गया है, हल्की सी ओकीनेस रह गई है इसमें। या दैट्स व्हाट इट इज, हल्के से मेटालिक नोट्स आ रहे हैं मुझे, ग्रासी नोट्स आ रहे हैं हल्के से। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट। बहुत ही प्लेन हो गई है विस्की आई गेस, जितना भी एडेड फ्लेवर्स थे वो सब धुल गए हैं आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर। तो सिर्फ मॉल्टीनेस आ रही है मुझे, और वो एक मेटालिक नोट्स आ रहे हैं मुझे, ग्रास के नोट्स आ रहे हैं मुझे, हल्की सी ओकीनेस आ रही है, वनीला के हल्के से नोट्स आ रहे हैं। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट। या दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई कैन गेट आउट ऑफ इट। द ओनली थिंग इज कि एस्ट्रिंजेंसी जो है वो कड़वाहट जो है हल्की सी कम हो गई है आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर। सो अगेन आई वुड रिकमेंड द सेम थिंग फॉर दिस विस्की एज वेल, डू नॉट ड्रिंक एज इट इज, ड्रिंक विद अ डैश ऑफ वाटर और सोडा, और मे बी एड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यूज विद सम मिक्सर्स, मे बी यूज इन अ कॉकटेल, इट इज़ नॉट दैट ओवर पावरिंग दैट इट कैन नॉट बी यूज इन अ कॉकटेल। सो येस यूज इट इन अ कॉकटेल एज सच, बट डू नॉट ड्रिंक एज इट इज़। एंड अगर मैं इस विस्की के एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8, एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट अ 7। सो इस विस्की का एफिशनाडोज नंबर होता है 7.5। गाइस ड्रिंक इट इफ़ यू मस्ट, बट एज सच इतना मुझे खास नहीं लगी है विस्की, ना ही सोलर नंबर वन कुछ खास लगी है। देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट दिस विस्की इन इंडिया, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड इन दिस विस्की दैट आई वुड रिकमेंड। सो ड्रिंक इट इफ़ यू विल। That's pretty much it about this whiskey for today. Drink responsibly, do not drink and drive. And as we say in Aficionado's Den, stay classy and cheers.